हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिंकX। वैसे क्या आप ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में जानते हैं? वेल, ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, वो भी इसी हफ्ते। सारी डिटेल्स जानने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ब्लिंकX और इस वीडियो को पूरा देखिए। शुरुआत करते हैं कंपनी की डिटेल से। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1982 में। ये कंपनी टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर और डेवलपर है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के माध्यम से कंपनी डिलीवर्स कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस फॉर मेजरिंग, कंट्रोलिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी एंड प्रोसेसेस। ये लो वोल्टेज करेंट ट्रांसफार्मर्स और एनालॉग पैनल मीटर्स के प्रोडक्शन में लीडर है। इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, मिरे एसेट कैपिटल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड। द ऑफर्स रजिस्ट्रार इज केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नाउ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरएचपी के अकॉर्डिंग ऑफर से मिले फंड्स का यूज नासिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 1 को एक्सपैंड करने के लिए और अदर बिजनेसेस रीजन के लिए किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन डेट एंड प्राइस बैंड। इस आईपीओ की इशू ओपन डेट है वेंसडे 30th अगस्त 2023। इशू क्लोज होगा फ्राइडे 1st सितंबर 2023 को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट हुआ है एट ₹418 to ₹441 पर शेयर का। बात करते हैं अलॉटमेंट डेट एंड लिस्टिंग डेट की। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की तारीख है 6th सितंबर 2023। लॉट साइज है 34 शेयर्स का। लिस्टिंग होगी 11th सितंबर 2023 को बीएससी और एनएससी दोनों जगह पर। नाउ टाइप्स ऑफ इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी का इशू साइज है ₹490.78 करोड़ का, जहां फ्रेश इशू है ₹75 करोड़ के और ऑफर फॉर सेल है अप टू ₹415.78 करोड़ का। अब फाइनेंशियल एनालिसिस FY23। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। फॉर द ईयर एंडेड ऑन March 31st, द कंपनी हैड रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹49.69 करोड़ विद अ टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹579.78 करोड़। वेल, ये वीडियो था ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी के आईपीओ के बारे में। ऐसे ही और लेटेस्ट जानकारियों के लिए स्टे ट्यून्ड विद ब्लिंकX। Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.